दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। सीबीआई मामले में कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी वाले मामले में केजरीवाल को पहले ही मिल चुकी है जमानत। कल के फैसले से तय होगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं। पीएम मोदी गणपति महोत्सव के मौके पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। चीफ जस्टिस और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। पीएम मोदी चीफ जस्टिस के घर गणपति के दर्शन किए, विनायक की पूजा और आरती में भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान, पीएम का निजी कार्यक्रम में सीजीआई के घर जाना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर इंदिरा जयसिंह ने उठाया सवाल। बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने दिया जवाब, बोले वामपंथियों का रोना शुरू हो गया। गणपति पूजा पर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले कांग्रेस को सीजीआई से नहीं गणपति पूजा से दिक्कत। संबित पात्रा बोले विपक्ष गणपति पूजा पर राजनीति कर रहा है, कांग्रेस सीपीआई को हमेशा हिंदू त्योहारों से दिक्कत है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी की 7वीं लिस्ट। सूची में 3 कैंडिडेट के नाम, सभी 90 सीटों पर आपने उतारे कैंडिडेट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर कविता दलाल को जुलाना से मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को देंगे टक्कर। हरियाणा में चुनाव से पहले आपको लगा झटका, लवलीन डुटेजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में ज्वाइन की कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देर रात जारी की 5 उम्मीदवारों के नाम की 4थी लिस्ट। अब तक 86 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को दिया टिकट, कैथल के चुनावी मैदान में उतारा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की घोषणा की, उकलाना से नरेश सेलवाल और नारनौंद से जसबीर सिंह को दिया टिकट। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन के उम्मीदवारों की 5वीं सूची भी जारी की, 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। करनाल ने जितेंद्र रायल और भिवानी से जुगनू मेहरा। हरियाणा चुनाव के लिए INLD ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की, आदित्य चौटाला डबावली से चुनाव लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद को छांव से दिया टिकट। बारामूला से सांसद राशिद इंजीनियर का बयान, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना होगा, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार का फैसला मंजूर नहीं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले भारत के विरोध कुछ नहीं बोला, बीजेपी फैला रही है झूठा नैरेटिव। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का बयान, आतंकवादियों का समर्थन करती है PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, चुनावों में बीजेपी की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान, जिला चुनाव आयोग ने छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विलेज डिफेंस गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया, चुनाव से पहले गांवों की बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स को दी गई है SLR। जम्मू कश्मीर दौरे पर उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी सांबा में, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के सांबा में CM धामी ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी कैंडिडेट सुरजीत सिंह के लिए मांगे वोट। अमेरिका में राहुल गांधी के विवादित सिख बयान वाला युवक भलिंदर सिंह आया सामने, कहा कि मेरे साथ ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है, गुरुद्वारे में जाता हूं, भारत में कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए विवाद में घिरे, अमेरिकी सांसदों के साथ मुलाकात की, एक तस्वीर में दिखी भारत विरोधी सांसद इलाना उमर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, झूठे नैरेटिव क्रिएट करना राहुल गांधी की आदत, विदेशी धरती से राहुल ने चुनाव आयोग को दिया चुनौती। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सजाद पुनावाला, राहुल आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये बयान उनकी पार्टी के राजनीतिक चरित्र को दर्शा रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को कर रही है टारगेट, 400 की जगह 240 सीटों पर अटकने का निकाल रही है गुस्सा। सुल्तानपुर डकैती को लेकर यूपी पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गया कि पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष थी, एनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव डकैती में शामिल था। यूपी पुलिस ने केस को सॉल्व करने का दावा किया, कहा कि आरोपी विपिन सिंह इसी डकैती का मास्टरमाइंड, डकैत को 2 ग्रुप के बनाकर डकैती के काम को करते थे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले अखिलेश यादव, यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर को करते हैं, मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं हत्या हुई है। अखिलेश बोले STF वाले मंगेश यादव को उठाकर ले गए और उसकी हत्या की, सब जानते हैं कि एनकाउंटर की झूठी साजिश रची गई। अखिलेश ने कहा कि PDA परिवार का एनकाउंटर हो रहा है, एनकाउंटर के लिए अफसर रणनीति बनाते हैं, चप्पल पहनाकर एनकाउंटर नहीं करते। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के निर्माण पर विवाद बढ़ा है, लाठीचार्ज के विरोध में शिमला व्यापार मंडल ने दोपहर तक बंद रखा था शिमला। शिमला में मस्जिद विवाद पर तनाव बरकरार, लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने निकाला विरोध मार्च, जमकर हुई नारेबाजी। शिमला में संजौली मस्जिद मामले पर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने निगम आयुक्त से मुलाकात की, अवैध फ्लोर गिराने की इजाजत मांगी। शिमला के SP संजीव कुमार का बयान, पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हुआ पथराव, उपद्रवियों के खिलाफ लेंगे एक्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में विरोध प्रदर्शन, अवैध मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। कर्नाटक के मांडिया में गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव, बद्री कोपुल गांव में मस्जिद के पास गुजरते वक्त उपद्रवियों ने पथराव किया। गणपति विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद 2 गुटों में झड़प, उपद्रवियों ने दुकानों में की तोड़फोड़, 2 वाहनों को आग के हवाले किया। हंगामे के बाद लोगों ने पुलिस स्टेशन पर पथराव के बाहर प्रदर्शन किया, पथराव और आगजनी के खिलाफ जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की।
मांडिया में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कुछ उपद्रवी एक बाइक शोरूम में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। बदमाशों ने बाइक में चोरी की। कर्नाटक में मांडिया गणेश विसर्जन के दौरान उपद्रव को लेकर गृह मंत्री जी परमेश्वर मामले में करीब 52 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। कच्छ के मांडवी बंदरगाह पर गणेश उत्सव को लेकर पथराव पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अफसर के घर पर ग्रेनेड से हमला। एक ऑटो से आए थे तीनों अज्ञात लोग और ग्रेनेड से कोठी के अंदर ग्रेनेड से हमला किया था। मौके से हुए फरार लोगों की अब तलाश। चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के मामले में पुलिस का एक्शन है जारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जोधपुर में वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अवलोकन। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़े भक्तों की भीड़। बप्पा की झलक पाने के लिए लंबी कतार लगी।